तो मैं आप सभी का दोस्त होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K24 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना अपने नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे भाई अपने टाइटल को WWE के 5 बेस्ट सुपरस्टार्स के अगेंस्ट में, वो भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये मैच और देखते हैं आज के हमारे इस मैच में ना क्या कोडी रोड्स इन WWE के इन 5 बेस्ट सुपरस्टार्स को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं या फिर इन 5 सुपरस्टार्स में से कोई एक सुपरस्टार कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को अपने पास लेकर के जाएगा भाई। चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, कोडी रोड्स हरा पाएंगे WWE के इन 5 बेस्ट सुपरस्टार्स को? मुझे तो लगता है कि हरा सकते हैं भाई। जब कोडी रोड्स ट्राइबल चीफ को हरा सकते हैं ना तो इन 5 सुपरस्टार्स को भी हरा सकते हैं भाई। फिलहाल मैच की शुरुआत सीना और रॉकी ने की है ना भाई। अच्छा सबसे पहले कैमरे का एंगल सही कर लेता हूँ भाई मैं, क्योंकि ये वाला कैमरे के एंगल मुझे उतना सही लगता नहीं है। सबसे पहले देखता हूँ कि कैमरा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है भाई। अच्छा मेरे हिसाब से कैमरा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है बताऊँ? स्पॉट के ऊपर से अगर कैमरा लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा भाई। फिलहाल चलो कुछ देर के लिए यहाँ पर कैमरा लगाते हैं, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार यहीं पर लड़ते हैं ना, उसके बाद आगे देखता हूँ ठीक है। तो दोस्तों आज की रेसल में ना किस किस ने देखी भाई और किस किस को कौन कौन सा मैच पसंद आया ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई। देखो भाई कोई किसी को कोई भी मैच पसंद आया हो ना, लेकिन मेन इवेंट तो हर किसी को पसंद आया होगा भाई। यार अपने ट्राइबल चीफ मैच को भले ही हार गए हैं ना, लेकिन ट्राइबल चीफ जब मैच हारे थे थोड़ा दुख तो मुझे भी हुआ था भाई। कोडी रोड्स के लिए भले ही खुशी थी कि कोडी ने अपनी स्टोरी फिनिश करी ना, लेकिन देखो भाई ट्राइबल चीफ के एरा का एंड हो चुका है भाई, जहाँ ट्राइबल चीफ ने 4 साल तक भाई WWE कंपनी को अपने कंधे पर लेकर चले थे भाई। अब कोडी रोड्स की बारी है भाई, क्योंकि ट्रिपल एच ने वैसे भी बोल दिया है कि अब न्यू एरा का समय है। तो देखते हैं भाई क्या कोडी रोड्स भी ट्राइबल चीफ की तरह ही WWE फैंस को एंटरटेन करते हैं और नए फैंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोमन ने किया था भाई। ट्राइबल चीफ के आने के बाद ना WWE की रेटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई थी भाई, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कोडी रोड्स भी वो काम कर पाते हैं या फिर नहीं भाई। क्योंकि अगर मेरी बात करोगे तो ट्राइबल चीफ जब से बन करके आए थे ना, तब से मैंने कोई भी WWE का एपिसोड छोड़ा नहीं था भाई। जहाँ ट्राइबल चीफ आते थे वहाँ तो मैं डेफिनेटली देखता था भाई। और वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं छोड़ा होगा भाई। अब कोडी को देखना होगा भाई हम लोगों को, और कोडी की अग्नि परीक्षा कल से शुरू होगी भाई मंडे नाइट रॉ में। और कल की मंडे नाइट रॉ के लिए मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि भाई कल कोडी रोड्स का हो सकता है कि पहला अपोनेंट हम लोगों को देखने को मिले भाई। और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कौन हो सकता है भाई कोडी रोड्स का पहला अपोनेंट, जो कि उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मतलब चैलेंज कर सकता है। और हो सकता है कि वो अपने फाइनल बॉस रॉक भी हो सकते हैं, जो कि कोडी रोड्स को मतलब बुरी तरह पीटने के बाद फिर से भाई चैलेंज कर दें अपने चैंपियनशिप के लिए। लेकिन फाइनल बॉस के होने की संभावना कम है भाई, क्योंकि जहां ट्रिपल एच ने बोल दिया ना कि न्यू एरा का समय आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया ही सुपरस्टार होगा जो कि कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा। फिलहाल मैच पे फोकस करते हैं भाई। सीना और रॉक भिड़े हुए हैं और अंडरटेकर और ब्रॉक भिड़े हुए हैं भाई। अच्छा कोडी रोड्स अभी तक मैच पे आए नहीं है ना, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स की जो एंट्रेंस है मैंने रैंडम सिलेक्ट की हुई है भाई। अच्छा मुझे लगता है कि कोडी रोड्स की एंट्रेंस के 5वीं या 6ठी ना हो भाई, क्योंकि 4 सुपरस्टार तो आ चुके हैं ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि कैमरे के एंगल को भी थोड़ा चेंज किया जाए भाई। वैसे आज कोडी रोड्स वाले मैच में तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा। एक के बाद एक सुपरस्टार जो रिटर्न आए ना, सीना का रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त लगा और अंडरटेकर सर ने तो आगे 4 चांद लगा दिए भाई। लेकिन अंडरटेकर सर से पहले मैंने स्टोन कोल्ड सर को एक्सपेक्ट किया था भाई और ब्रॉक लेस्टर को एक्सपेक्ट किया था भाई, लेकिन ये दोनों तो नहीं आए। चलो कम से कम अंडरटेकर सर ने आके कोडी रोड्स की थोड़ी बहुत मदद तो की भाई। वैसे सीना का लेना देना तो था भाई ब्लड लाइन से, लेकिन अंडरटेकर सर का क्या लेना देना था यार ब्लड लाइन से? क्यों अंडरटेकर सर खाम का बीच में आए? चलो अंडरटेकर सर आए, कम से कम कोडी रोड्स को जीतने का मौका तो मिला भाई। वैसे ट्राइबल चीफ जब पिछली बार जीते थे तो ब्लड लाइन बीच में आई थी ना, तो इस बार कोडी की मदद के लिए भी WWE के बेस्ट सुपरस्टार से आए हैं। अच्छा वाइपर ही बचे हुए हैं ना अब मात्र। लो भाई कोडी रोड्स को भी देख सकते हो भाई आप लोग। मैं थोड़ा थोड़ा कैमरे के एंगल को सही करता रहूँगा जहाँ से सारे सुपरस्टार हम लोग को अच्छी तरह दिखें भाई। यार लेकिन मैंने एज ए ब्रॉक लेस्टर का फैन मैंने काफ़ी एक्सपेक्ट किया डबल चॉक स्लैम। ये अरे अंडरटेकर सर केन नहीं है भाई ब्रॉक लेस्नर, जो डबल चॉक स्लैम लगा रहे हो भाई तुम। लगा दिया कोडी ने क्रॉस रोड, लगा दिया क्रॉस रोड। अच्छा ब्रॉक के ऊपर पिन कर रहे हैं कोडी रोड्स ने, पिन तो नहीं होगा ब्रॉक के ऊपर ना 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 ना। इतने जल्दी बीस्ट इनकॉर्नेट कहाँ एलिमिनेट होंगे भाई? बहुत ही ज़बरदस्त भाई इस बार के रेसलमेनिया काफ़ी मतलब। देखो ट्राइबल चीफ के जो भी फैंस हैं ना मेरे जैसे,
भाई उनको तो थोड़ा बहुत दुख हो रहा होगा भाई, क्योंकि ट्राइबल चीफ के एरा का एंड हो चुका है भाई, अब कोडी रोड्स के एरा का शुरू हो चुका है भाई। और ट्रिपल एच ने तो वैसे भी बोल दिया है कि अभी न्यू एरा का कुछ नाम दिया है यार ट्रिपल एच ने, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना भाई कमेंट करके, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ ट्रिपल एच ने कुछ नाम तो बोला था भाई कि न्यू एरा का क्या नाम है करके। अल्लो भाई सारे सुपरस्टार अब यहाँ पर लड़ रहे हैं और कैमरे के एंगल मैंने खामखा रेफरी की ओर किया हुआ है। अंडरटेकर सर पिन तो कर रहे लेकिन ना इतने जल्दी वाइपर कहाँ भी, अभी तो मैच में आए लगा दिया आउटसाइड में आरकेओ। अच्छा सारे, अरे भाई कैमरामैन की जॉब काफ़ी टफ पड़ रही है यार मुझे, सारे सुपरस्टार्स पे फोकस करना पड़ा मुझे एक के बाद एक। कोडी देखो भाई अपनी चैंपियनशिप को आज पहले ही दिन हारना मत ठीक है। अच्छा फाइनल बॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं कोडी रोड्स, लेकिन नहीं किया भाई, सीना भी पिन करने के चक्कर में है सीना। ना प्रो कभी कहाँ एलिमिनेट होंगे भाई। अच्छा देखा जाए तो अंडरटेकर सर की हेल्थ सबसे ज़्यादा कम है भाई, और कोडी के पास फिनिशर वगैरह कुछ है? कोडी नहीं फिनिशर भाई तुम्हारे पास, लेकिन कोडी की हेल्थ देखो भाई कितनी ज़्यादा है भाई। कोडी के पास फिनिशर है भाई, सीना को फिनिशर लगा सकते हैं, लगा दिया क्रॉस रोड, रिवर्स नहीं किया ना लगा दिया क्रॉस रोड, लगा दिया सीना को क्रॉस रोड। सीना के ऊपर पिन तो हो रहा है लेकिन रेजिडेंसी है सीना के पास, लेकिन सीना की रेजिडेंसी गई तो सीना के एलिमेंट होंगे चांस बन गए भाई। यहाँ फाइनल बॉस अंडरटेकर को तोड़ रहे हैं ना, जैसे फाइनल बॉस को अंडरटेकर ने तोड़ा रेसलमेनिया में आज यार। लेकिन मैंने ब्रॉक लेसनर की इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी ना, मेरी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई भाई। लेकिन चलो भाई कभी ना कभी तो ब्रॉक लेसनर आएंगे ही भाई, अगर आप लोगों ने, अरे ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो गए भाई। अगर आप लोगों ने ट्रिपल एच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सुनी होंगी ना, जहां उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर अभी WWE से अलग नहीं हुए हैं भाई, ब्रॉक लेसनर फिलहाल अभी घर पे हैं भाई, अपने चिल मार रहे हैं। अब देखते हैं कि अपने काउबॉय कब रिटर्न करते हैं भाई WWE में। एक बार तो कोडी को चैलेंज करना चाहिए भाई काउबॉय ने भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि WWE ऐसा कुछ करेगी भाई। लेकिन यार ट्राइबल चीफ के जो भी फैन है ना, उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आज नहीं तो कल ट्राइबल चीफ फिर से रिटर्न आने वाले डेफिनेटली, लिख के ले लो भाई आप लोग। लेकिन हाँ भले टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे ये तो WWE के हाथ में है ना, लेकिन भाई जो भी मैच करेंगे ना ट्राइबल चीफ अब बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस होंगे। लगा दिया फाइनल बॉस ने। अच्छा कोडी को कहीं फाइनल बॉस से हेलमेट ना करें भाई, कोडी देखो मैच से हेलमेट मतलब सीना पे पिन होने वाला है भाई, सीना गए मैच से भाई। अच्छा पीपल सेल्बो रिवर्स कर दो भाई, कोडी रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हो, रिवर्स कर सकते हैं कोडी, लगा दिया पीपल सेल्बो भाई। रेजिडेंसी है कोडी तुम्हारे पास, है भूलना मत टाइटल जाएगा हाथ से तुम्हारे, रेजिडेंसी का इस्तेमाल कर लिया बहुत अच्छा भाई। वाइपर एक काम कर कोडी, अच्छा रैंडी के पास अभी हेल्थ बहुत ज़्यादा है भाई, कोडी एक काम करो भाई केज के बाहर चले जाओ अगर जा सकते हो तो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है भाई कि तुम अभी इतनी जल्दी, अरे अरे ना हारना नहीं है कोडी, हारना नहीं है। वाइपर के पास हेल्थ बहुत ज़्यादा, सुप्लेक्स कोडी को भाई आज के इस मैच को तो नहीं हारना है कम से कम, पहला ही मैच है यार, अरे बेल टू बेल सुप्लेक्स, पहला ही मैच है यार कोडी रोड्स का भी ये। कोडी के जितने भी फैन है खामखा मेरी वीडियो पे भड़क जाएंगे, कम से कम पहला मैच तो मत हारना भाई कोडी। ओ भाई रेजिडेंसी का इस्तेमाल भी कर लिया कोडी रोड्स ने, और रेज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं भाई कोडी रोड्स, जब उनको रेज दे के रखी हुई है WWE ने, 2K ने यानी कि WWE ने जो कह रहा हूँ। लो भाई डबल टीम कर रहे हैं वाइपर और फाइनल बॉस, अबे यार कोडी पे क्यों रैंडी, तुम्हारे तो अच्छे दोस्त हैं भाई ये। बहुत अच्छा फाइनल बॉस ने थोड़ा बहुत मोमेंटम चेंज कर लिया भाई, अब वाइपर को तोड़ने में लगे हुए हैं ना कोडी। देखो भाई काम करो भाई, लुढ़कते हुए रिंग के बाहर तो चले जाओ कम से कम, जब तक फाइनल बॉस या फिर रैंडी इनमें से कोई एक एलिमिनेट ना हो जाए। अच्छा रैंडी के पास फिनिशर है भाई, और रॉकी के पास भी फिनिशर है भाई, लगा दिया शार्प शूटर। कोडी मैच के बीच में आने की जरूरत नहीं है ठीक है, फिनिशर तो लगा दिया कोडी देखे हुए हैं भाई कोडी। नहीं 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 बीच में मत जाना, बीच में मत जाना, रैंडी की रेजिडेंसी खत्म होने देने का मौका था यार, रैंडी के पास फिनिशर है फिर। बहुत अच्छा रेज ऊपर कर लिया ना, लगा दिया क्रॉस रोड, बहुत अच्छा। रॉकी के पास रेजिडेंसी है क्या, अगर रेजिडेंसी होगी तो किकआउट कर देंगे भाई रॉकी। थ्री चलो रॉकी को हेलमेट कर दिया ना, वाइपर के पास आरकी हुआ, वाइपर के पास आरकी हुआ, रिवर्स कर दे रहे यार कोडी, रिवर्स करना था यार कोडी, टाइटल जाएगा तुम्हारा आज, मुझे लग रहा है कोडी का टाइटल गया, मुझे लगता है कोडी का टाइटल गया कोडी, अरे यार कोडी का पहला ही टाइटल गया भाई। लेकिन चलो ये तो गेम प्ले वीडियो है भाई, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यार कोडी ने इस बार जो कारनामा करके दिखाया है ना बहुत ही जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त।
चलो कम से कम गेम प्ले में तो अपने वाइपर रैंडी ऑर्टन 15वीं बार चैंपियन बन चुके हैं भाई, लेकिन देखो भाई रियलिटी में तो अपने अमेरिकन नाइटमेयर ही ना WWE चैंपियन है। तो चलो दोस्तों हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, हिट रहो, फिट रहो, टाटा बाय बाय।